गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर SST क्लास एंड इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 18 फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. द मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ आवर कंट्री इंक्लूड द हिमालयाज, द नदन प्लेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू. जो फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो हिमालयाज, द नदन प्लेन्स और द पेनिनसुलर प्लेट्यू. इन 3 चीज़ों से मिलके, इन 3 डिवीज़न्स से मिलके हमारा इंडिया बना हुआ है. सो फर्स्ट वी हैव टू रीड अबाउट द हिमालयाज. In the north and the northeastern of our country, we find the Himalaya. Himalaya कहाँ पाया जाता है? North की तरफ में, जिधर हम रहते हैं उससे और north की तरफ पे रहें. यूपी में रहते हैं, we are living यूपी. If we go the north, we will find the Himalaya, the world's highest mountain range. और जो हिमालयाज हैं वो world की सबसे highest range है. The word Himalaya means the home of the snow. द वर्ड हिमालय, हिमालय वर्ड का मतलब भी होता है द होम ऑफ स्नो, बर्फ का घर. द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर्स. और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है हिमालय? 2400 किलोमीटर्स. हाउएवर द हाइट ऑफ हिमालय वेरीज अलॉन्ग विद द विथ विच इज़ बिटवीन 240 टू 320 किलोमीटर. तो हिमालयस की जो विथ है, चौड़ाई, वो चेंज करती है, वेरी करती है. अकॉर्डिंग टू इट, इट्स अबाउट 240 टू 320 किलोमीटर. सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द रेंज आर माउंट एवरेस्ट. और उनमें से कुछ हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट, विच इज अबाउट 8848 मीटर. नाउ द माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन है जो K2 का है 8611 मीटर का. माउंट कंचनजंगा विच इज अबाउट 8586 मीटर एक्सेट्रा. द हिमालयाज फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. और जो हिमालय होती है वो बाउंड्री बना रहा है, नेचुरल बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच में. द हिमालय रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. द फर्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री रेंज भी कहते हैं. द लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल रेंज बोलते हैं. एंड द आउटर हिमालय, जिसका नाम है शिवालिक रेंज. सो फर्स्ट वी रीड अबाउट द ग्रेटर हिमालय. इन द नदर्न रेंज ऑफ द हिमालयस माउंट एवरेस्ट विच इज इन नेपाल. तो नदन रेंज में हिमालय की माउंट एवरेस्ट पड़ता है, वो है नेपाल में. इस लोकेटेड है नेपाल में लोकेटेड. इट आल्सो हैज़ गॉडविन ऑस्टिन एंड कंचनजंगा. और उसमें हिमालयस, ग्रेट हिमालयस में गॉडविन रेंज ऑस्टिन भी है एंड कंचनजंगा भी उसी रेंज में पड़ता है. द पीक्स आर कवर्ड विद स्नो ऑल थ्रू आउट द ईयर. और वो पूरे साल, फुल ईयर स्नो में कवर्ड रहती है. द रेंज हैज़ स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर. और उस रेंजेस में हल्के हल्के चलने वाली नदियाँ भी है, रिवर्स भी है, जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, बर्फ की नदी. रिवर्स लाइक गंगा, द यमुना, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, द सतलज एक्सेट्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम हिम. ये यहीं से बनती हैं, ऑरिजिनेट मतलब उपज स्टार्ट होनी, निकलनी. In 1953, Sir Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay of Nepal were the first men to reach the summit of Mount Everest. The first Indian woman to reach there was Bichendri Pal. तो सबसे पहले New Zealand के Tenzing Norgay, Nepal के और New Zealand के Edmund Hillary, जो कि first men थे ये Mount Everest के summit top पे पहुँचने वाले. और first Indian woman जो थी, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची, उनका नाम था बिचेंद्री पाल. उसके बाद आता है द लेसर हिमालय, द लेसर हिमालय एंड द हिमाद्री रेंज. इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये क्या है.
इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज, हिमाद्री रेंज के साउथ में द माउंटेंस आर नॉट वेरी हाई, माउंटेंस ज़्यादा ऊंचे नहीं, दे आर नोन एज हिमाचल और द लेसर हिमालय, हिमाचल कहते हैं उनको या फिर लेसर हिमालय उनका नाम है। दिस रेंज हैज़ मैनी ब्यूटिफुल वैलीज लाइक काश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा एक्सेट्रा। इट ऑल्सो हैज़ पासिस, नैरो पास बिटवीन द माउंटेन, रोहतांग पास इन हिमाचल इज एन एग्जाम्पल। ब्यूटिफुल हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग एक्सेट्रा आर फाउंड हेयर इन द लेसर हिमालय, हिमाचल रेंज में पाए जाते हैं। दिस एरिया इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एप्पल, पियर्स, वॉलनट एंड आलमंड्स एक्सेट्रा। नाउ द आउटर हिमालयस और शिवालिक रेंज, आउटर हिमालयस और शिवालिक रेंज के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। द फुट हिल्स मतलब कि जहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है, बिल्कुल फुट से, फुट हिल ऑफ द हिमालयस और द लोअर रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक रेंज, उसको हम शिवालिक रेंज बोलते हैं। दिस रेंज इज मार्शी एट मैनी प्लेस, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज इन शिवालिक, उत्तराखंड जो स्टेट है वो शिवालिक रेंज में आता है। द नदर्न ईस्ट पार्ट ऑफ शिवालिक इज कॉल्ड अ पूर्वांचल विच हैज़ गारो, खासी, जैंतिया एंड द नागा हिल्स एंड द एनिमल्स लाइक लेपार्ड, एलिफेंट्स एक्सेट्रा आर फाउंड हेयर, यहाँ पे ऐसे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। द रेंज रिसीव हैवी रेनफॉल और इस शिवालिक रेंज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है एंड इज़ फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट, और वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा क्या है, घने हैं, डेंस है। नाउ द इम्पॉर्टेंट ऑफ हिमालय, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालय, दे आर नेचुरली नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द एनिमल्स, ये एक प्राकृतिक बैरियर है, एक बाधा है हमारे किसके लिए, एनिमीज के लिए, हमारे दुश्मन के लिए। दे कॉज हैवी रेनफॉल इन द नदर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और हिमालय की वजह से नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस मेक द नदर्न प्लेन्स फर्टाइल, और जो रिवर ऑरिजिनेट करती है हिमालय से उस वो नदर्न प्लेन को क्या करती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ बनाती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकें, फूड, वेजिटेबल्स। नाउ द हिमालयस आर अ होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स, और जो हिमालय है वो काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स का क्या है, घर भी है। द हिमालयस हैव टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड्स एक्सेट्रा, हिमालय में टिम्बर लकड़ी मिलती है, मेडिसिन प्लांट्स हैं वहाँ पे, मेडिसिन बनाने के लिए काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड्स, ये सब चीज़ें हिमालयस रेंज में भी, हिमालयस में मिलती है, इस वजह से हिमालय हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ क्लास, हमने हिमालयस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एवरीथिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नदर्न प्लेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, we will discuss tomorrow means in our next class, till then read the chapter twice at your home, and if you have any problem, any doubt regarding the today's class or previous class, you can ask me personally in my WhatsApp by messaging me on WhatsApp, or if you have any problem so you can message me, feel free to message me during the school hours. So student, thank you. Till then, we take care. Goodbye.